गजनी बन गई थी आमिर की अपनी स्टोरी। क्या आसन एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी करेंगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गजनी एक तमिल मूवी की रिमेक थी जिसमें तमिल एक्टर सूर्या को लीडिंग तौर पर कास्ट किया गया था। वेल, इस फिल्म में आमिर खान ने हिंदी वर्जन की बात करें तो केवल 20 मिनट का बदलाव किया था, लेकिन क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गजनी मूवी बेसिकली क्रिस्टोफर नॉलन की रिलीज हुई 2000 में फिल्म मोमेंटस से इंस्पायर्ड थी। जी हाँ, जब 2018 में क्रिस्टोफर नॉलन भारत आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी गजनी मूवी देखने का वक्त नहीं मिला, मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में वो गजनी मूवी पूरा देखें। साथ ही उन्हें ये सुनकर भी काफी अच्छा लगा कि गजनी इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोमेंटस क्रिस्टोफर नॉलन के लिए बेहद ही खास फिल्म थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि गजनी मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी भी बन गई थी? जी हाँ, किसी भी कलाकार की सबसे उम्दा बात ये होती है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से डूब जाए, और जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बात करें तो क्या ही कहने, वो अपनी हर पिक्चर में ये कोशिश करते हैं कि किस तरह ऑडियंस का दिल जीता जा सके उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के बदौलत। कई बार फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो कोई कैरेक्टर निभाते हुए अपने रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस भूल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था आमिर खान के साथ भी। उन्हें गजनी के कैरेक्टर से उभरने के लिए करीब 2 से 3 महीने का लंबा वक्त लग गया। गजनी मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर भले ही संजय सिंघानिया का हो, लेकिन इस किरदार को आमिर खान ने कुछ ही देर के लिए निभाया था, क्योंकि फिल्म में बाकी हिस्सों में उन्होंने एक पेशेंट का किरदार निभाया था जिन्हें भूलने की बीमारी होती है। वेल, इस रोल का प्रभाव आमिर खान की रियल जिंदगी पर ऐसा पड़ा कि उन्हें काफी लंबा वक्त लग गया इस चीज से बाहर निकलने के लिए। आमिर खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बात रणवीर सिंह को बताई थी। दरअसल 2009 में आमिर खान की फिल्म लकी बाई चांस रिलीज होने वाली थी, और इससे पहले उन्होंने एक शॉर्ट टाइम ब्रेक भी लिया था। गजनी मूवी के बाद उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, जिसका खुलासा आमिर खान ने रणवीर सिंह के सामने किया। दोस्तों, इस खबर के बाद ऑडियंस और रणवीर सिंह दोनों ही चौंक गए। आमिर खान ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि अब भाई 50 साल का हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, मेमोरी लॉस तो हो गई है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि आमिर खान की फिल्म गजनी का आने वाले दिनों में सीक्वल बन सकता है। जी हाँ, फिल्म से जुड़े तमाम मेकर्स इस पर विचार भी कर रहे हैं, और इस फिल्म में एक बार फिर से आमिर खान की बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स आपको देखने को मिलने वाली है। गजनी की फीमेल लीड की अगर बात करें तो जैसा हम जानते हैं, इस पिक्चर में आसन ने अहम किरदार निभाया था। वेल, गजनी 2 में कौन दिखेंगे तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 2016 में शादी के बाद आसन ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उनकी कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई। मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से आसन की बॉलीवुड में वापसी हो गजनी 2 के थ्रू। गजनी आमिर खान के लिए एक बेहद लकी फिल्म साबित हुई थी। इस पिक्चर के बाद से ही आमिर खान ने बॉलीवुड में नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, आप गजनी 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।